उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर ओर आसमानी आफत का सितम जारी है। हर ओर बारिश हो रही है और बारिश के बाद पूरा शहर समुंदर बन जाता है। कुछ घंटे की बारिश और बेहाल हो गया शहर, कुछ घंटे की बारिश और पानी पानी हो गया शहर। सड़क स्विमिंग पूल बन गए, कॉलोनियों में पानी इतना भर गया कि आदमी डूब जाए। दौड़ने वाली गाड़ियां तैर रही थी और जो नाव नहीं बन पाई वो बंद हो गई। सूरत की एक ये भी तस्वीर है। मर्सिडीज और ऑडी गाड़ियां दौड़ा करती थी इन सड़कों पर, लेकिन लोग ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। लोग सड़कों के किनारे नालियां ढूंढ रहे थे, कहां गई, यही तो थी। सूरत में बारिश की वजह से पॉश एरिया की सड़कें नदियां बन गई। शहर के हनुमान टेकरी और भरी माता फ्लड गेट बंद कर दिए गए। लिम्बायत, कमरू नगर, राव नगर और पर्वत पाटिया इलाकों में मीठी खाड़ी का पानी भर गया है। पूरी नाइट जैसे पानी आने का शुरुआत हुआ वैसे हम लोग ने सामान शिफ्ट करना चालू हुआ, मगर ये हर बार का लफड़ा है। और जो यहाँ खाड़ी में है ना, वो दूसरी कोई लाइन जुड़ी हो उसका पूरे दिन पानी ऐसे आता है, बारिश होके नहीं होता है, इतना पानी आता है उससे खाड़ी भर जाती है और ऐसे बारिश का पानी आ रहा है और कॉरपोरेशन का जो पंप है वो कुछ चला नहीं है। इंस्पेक्टर यकरिया साहब पर कॉल आया कि जालमपुर गाँव में 14 आदमी फंसे हुए है, उनको निकालना है। तो फिर हमारी टीम वहाँ से रवाना हुई, रवाना होके यहाँ टीडीओ साहब को हमने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पहुँचे, स्थल पर पहुँचने के बाद हमने दो बार बोट अंदर डाली उस पार, तो चार चार करके आठ आठ व्यक्ति हमने बचा कर वापस लाए हैं। गुजरात में एक शहर नहीं, कई शहरों में कुदरत का कहर बरप रहा है। कहीं बेहिसाब बारिश तो कहीं बेशुमार सैलाब। जिस तरह सूरत के आसपास के इलाकों में बेहिसाब बारिश हो रही है, उससे लोग कह रहे हैं, हे इंद्रदेव, अब बस करो।